387 अरण्य ग्राम में नागनाथ की गुफा में अवस्थान। अब यहां से अरण्य गांव का भाग, नगर का भाग शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन प्रातः काल का पूजा सुर हो जाने के बाद भगवान श्री चक्र स्वामी अरण्य ग्राम में गए। उस अरण्य ग्राम के नागनाथ मंदिर के पास एक गुफा थी, उसमें भगवान ने 5 दिवस निवास किया लीला का हेतु। नागनाथ के मंदिर के पास विद्यमान गुफा में 5 दिन निवास करके इस स्थान को भगवान ने विशेष रूप से संबंध प्रदान कर उसमें शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 387 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 388 अदरक के छिलके लेने पर देमाइसा को दोष कथन। एक दिन बाइसा ने देमाइसा से कहा, देमती, इस अदरक को अच्छी तरह से छीलकर और धोकर ले आओ, मैं भगवान के भोजन के लिए कोई अच्छी सी सब्जी बनाना चाहती हूँ। तब दमाइसा ने उस अदरक को छीलकर बहते पानी में धो लिया तो वे छिलके उस पानी में बहने लगे। उसने उन छिलकों को पकड़कर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया। सोचने लगी कि वह इन छिलकों को रोटी के साथ खा लेगी, नहीं तो ये ऐसे ही व्यर्थ चले जाएंगे। फिर वह उस छिले हुए अदरक को ले आई और वह बाइसा को दे दिया। उसके बाद उसने भगवान के पास आकर उनके चरण स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया और फिर उनके पास बैठ गई। तब भगवान ने दमाइसा के पल्लू में बंधी हुई गांठ को देखा तो उससे पूछा, देमती, यह तुम्हारे पल्लू में क्या बंधा हुआ है? तब दमाइसा ने भगवान को बताया कि उसने अदरक के बहते हुए छिलकों को रोटी के साथ खाने के लिए बांध कर रख लिया है। इस पर भगवान ने दमाइसा से कहा, क्या तुमने बाइसा से इन छिलकों को अपने पास रखने के लिए पूछ लिया है? फिर दमाइसा ने कहा, भगवान, इन छिलकों के विषय में बाइसा से क्या पूछना था? इस पर भगवान ने कहा, अन्य किसी देवता से संबंधित किसी वस्तु को उसके अधिकार के क्षेत्र में माना जाता है तो फिर यहां की वस्तु का अधिकार बाइसा को नहीं होगा क्या? क्योंकि भगवान के अधिकार क्षेत्र में आने वाली वस्तु पर परमेश्वर से संबंध रहता है, इसलिए उसे देव सवा कहते हैं। भगवान से संबंधित वस्तु चाहे व्यर्थ में चली जाए पर उसे बिना आज्ञा के लेनी नहीं चाहिए। यहाँ की प्रत्येक वस्तु को लेते समय बाइसा से पूछकर लेनी चाहिए। देवती, इस बात का आगे से ध्यान रखना, जब तक तुम यहाँ हो तो यहाँ की कोई वस्तु लेनी हो तो बाइसा से बिना पूछे मत लेना, क्योंकि यहाँ की प्रत्येक वस्तु पर बाइसा का पूर्ण अधिकार है। फिर देमाइसा ने कहा, भगवान, क्या मैं इन्हें फेंक दूं? इस पर भगवान ने कहा, देवती, तुम बाइसा के पास जाकर उन्हें यह सारी बात बता दो, फिर उनकी आज्ञा से इसे ले लो। फिर वह बाइसा के पास गई और उसने अदरक के छिलकों की सारी कहानी सुना दी और इस विषय में जो भगवान ने शिक्षा दी वह भी बता दिया। इस पर बाइसा ने कहा, देवती, भगवान सबको अच्छी शिक्षा देते हैं, उनकी कृपा से ही तुम जैसी ब्राह्मण कुल की विधवाओं के धर्म की रक्षा हो रही है। तुम लोगों को अपनी खाने की चीजों का निग्रह संयम करना चाहिए। यह मेरे से और अदरक ले लो और उसे भी अपने पास रख लो। फिर वह भगवान के पास गई और उसने बाइसा से अदरक के छिलके के विषय में सारी बात बता दी। इस पर भगवान ने कहा, देवती, अब ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसने भगवान श्री चक्र स्वामी महाराज के श्री चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें दंडो प्रणाम किया और कहा, अच्छा जी, लीला का हेतु। इसमें भगवान ने बताया है कि जो देवता के अधीन वस्तु होती है उसे लेने पर उसके बदले में उस देवता को कुछ न कुछ समर्पित करना आवश्यक होता है, अथवा जीव उसके लिए उसी देवता की मनोतियां मनाकर उसे कुछ समर्पित करता है। वैसे ही परमेश्वर के सन्निधान में परमेश्वर से संबंधित किसी भी वस्तु को, चाहे वह छोटी सी छोटी क्यों ना हो, पूछकर ही लेनी चाहिए। अदरक के छिलके तो बहुत ही तुच्छ वस्तु थी, उसके लिए भगवान ने दमाइसा को क्यों कहा, यह प्रश्न है यहाँ पर। इसका उत्तर है, क्योंकि छोटी छोटी वस्तु से ही बड़ी से बड़ी वस्तु लेने का प्रसव बढ़ता जाता है। ऐसा अनुचित कार्य बढ़ते बढ़ते नित्य नरक तक की चाल प्रसव तक बढ़ जाता है। बाइसा के संबंधी मार्तंड की भी यही स्थिति थी। तो बाइसा का प्रसव आगे बढ़े नहीं, इसलिए भगवान ने उसे समझाया था। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 388 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री चक्र।